बिहार के 75% हिस्से से लोग पटना 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो निचले ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर पर जो है इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जागृति शायद नहीं है कि विकास से क्या फायदे हैं। परियोजनाओं के का शुभारंभ कार्य पूरा होने में बड़ा समय लगता है, तो क्यों समय से सर क्यों काम नहीं होता है? इसके लिए सबसे प्रमुख कारण जो है बिहार में हम लोगों को ज़मीन मिलने में भूमि अधिग्रहण की सबसे बड़ी समस्या होती है। भूमि अधिग्रहण में विलंब ही परियोजनाओं के विलंब का सबसे बड़ा कारण है। फंड की कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी भाषण में सुना माननीय गडकरी जी ने कहा कि पैसे की कोई भी कमी भारत सरकार के पास में नहीं है, पैसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पैसा कहाँ लगाएंगे? ज़मीन होगा तभी तो लगाएंगे पैसा, अगर कहाँ उसको सड़क बनाएंगे, कहाँ पुल बनाएंगे? ज़मीन होगी तभी। वैसे सबसे महत्वपूर्ण ज़मीन है और ज़मीन के अधिग्रहण की कार्यवाही में वाकई काफ़ी विलंब होता है। हमारा नहीं है ज़मीन जो अधिग्रहण है, वो राज्य सरकार का है जिम्मेदारी। राज्य सरकार जमीन क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करती? नहीं, काम करती है, लेकिन हमको लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो एक ही गठबंधन है, एक ही पार्टी है, इसलिए ये समस्या नहीं है। समस्या है कि जो निचले ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर पर जो है इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जागृति शायद नहीं है कि विकास से क्या फ़ायदे हैं, विकास से आने वाली पीढ़ियों को क्या फ़ायदा हो सकता है। विकास से जैसे मान लीजिए किसी ज़िले का जिला भू अर्जन पदाधिकारी है, वो सबसे पहली कड़ी है जिसने ज़मीन का अधिग्रहण करना है, लेकिन उसको भी शायद इस बात की समझ नहीं है कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तो उनके बच्चों का खुद का भविष्य भी अंधकारमय रहेगा, और वहीं से समस्याएँ शुरू होती है। जो निचले स्तर का, ऊपरी स्तर से तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहता है, काफ़ी सहूलियत मिलती है, लेकिन निचले स्तर से आखिर काम तो निचले स्तर कहें ना, जागृति का अभाव है। जो हमको लगता है जागृति का अभाव है, लोग जानते नहीं है कि विकास के, अगर विकास के महत्व को लोग इतना ही जानते तो चीन देखिए 1978 में उसकी GDP आपकी GDP से कम थी और आज उसकी GDP आपकी GDP से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा हो गई है ना? क्यों हो गई? विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि विकास जब तक नहीं होगा तब तक आपका अपना जीवन, आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन अंधकार में रहेगा। मंत्री जी कई बार कहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से आप 5-6 घंटे में राजधानी आ जाएंगे, 5-6 घंटे में लोग हाजीपुर आ जाते हैं, लेकिन हाजीपुर से पटना जाने में अभी 5-6 घंटे लग जाता है लोगों को, तो क्या इसके लिए समय से योजनाएँ नहीं बनती है या कार्यान्वयन होने में समय? सबसे बड़ी समस्या दोनों ही है, समय से कई दफ़े योजनाएं नहीं बनती हैं, जब ज़रूरत हो जाती है उसके बाद योजनाएं ज़मीन पर आती हैं, और कई दफ़े योजनाएं बन भी जाती हैं लेकिन क्रियान्वयन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं। दोनों ही कारण है। अब आप देखिए जैसे 5 घंटे की बात है, कई दफ़े तो हम लोग एक जगह से 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाता है, चूँकि सड़कें उतनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी हैं, उनका चौड़ीकरण उस रफ्तार से नहीं हुआ जिस रफ्तार से मांग बढ़ी है, जिस रफ्तार से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, जिस रफ्तार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। अब जैसे एक सड़क का अभी आपने जिक्र सुना होगा, माननीय गडकरी जी ने अपने भाषण में कहा औरंगाबाद से दरभंगा का परियोजना के बारे में कहा उन्होंने, जो 7,700 करोड़ रुपये की शायद भारतवर्ष की अकेली सबसे बड़ी परियोजना है। अब उस परियोजना के वाकई बन जाने के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 5 घंटे की बात कही है, लेकिन वो परियोजना जब बन जाएगी औरंगाबाद से पटना होते हुए, बिदुपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा, तो बिहार के 75% हिस्से से लोग पटना 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। 5 घंटे की बात छोड़ दीजिए, 4 घंटे में वो एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड, एक्सेस कंट्रोल्ड उसको बनाएंगे और पूरा ग्रीनफील्ड बना रहे हैं ताकि उसमें कोई आबादी भी सड़क के किनारे किनारे ना हो कि गाड़ियां तेज़ रफ्तार में चलेंगी तो एक्सीडेंट हो, उन सबको भी बचाते हुए, इसलिए पूरा ग्रीनफील्ड बना रहे हैं हम लोग। और वो बन जाएगी अगर तो पूरे स्टेट का कायाकल्प हो जाएगा। आप देखिए, एक मिनट आप कर लेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो NH2 है, दिल्ली को मुंबई कोलकाता से जोड़ने वाला, उससे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो इधर से गोपालगंज से होता हुआ दरभंगा से होता हुआ पूर्णिया चला जाता है, इसको एक दूसरे से जुड़ाव मिल जाएगा। मतलब आपका जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वगैरह से जो समुद्री रास्ते से जो सामान आता है वो उसको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी पटना से मिल जाएगी, पटना ही नहीं पूरे बिहार से मिल जाएगी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के मार्फत नॉर्थ ईस्ट को भी पूरा मिल जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ के मार्फत आपको दरभंगा के बाद पूरे नेपाल को भी मिल जाएगा। तो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन हम लोगों ने अपने भर से शुरू कर दिया भूमि अधिग्रहण की भी कार्यवाही, लेकिन अब ज़मीन कब तक मिल पाता है? अगर मिल जाता है तो आपको मैं वादा करता हूँ कि फरवरी से मार्च के अंदर में उसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जैसे आपको बताएं 102 किलोमीटर की औरंगाबाद से पटना का पहला फेज है, उस पहले फेज में पूरी इतनी लंबाई में केवल 18 मकान जा रहे हैं, केवल 18 मकान।
इतना हम लोगों ने ख्याल किया है कि कम से कम लोगों की रिहाइश का नुकसान हो। उनके आवासन के लिए क्या किया गया था? वो तो पैसा उनका तो हम उनको तो पूरा कंपनसेशन देते ही हैं नई भू अर्जन नीति के तहत 4 गुना के आधार पर, वो सब हम देंगे। लेकिन हम लोगों ने तथापि कोशिश की है कि किसी भी तरह से मकान दुकान लोगों के ना टूटे, इसलिए ग्रीन फील्ड पर जाना। अगर हम एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को NH-98 को अगर हमने चौड़ीकरण किया होता ग्रीन फील्ड ना बनाने की जगह, तो वहाँ पर कम से कम 5,000 मकान टूटते, हजारों की संख्या हम लोग विस्थापित होते, उसमें फिर जन असंतोष भड़कता। ऐसा विकास तो नहीं चाहिए ना कि आपको बेघर करके हो, ऐसा विकास तो नहीं चाहिए। विकास ऐसा चाहिए जो कि आपके घर के साथ हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक सवाल है हमारा सर, NH-19 हम लोग के बगल से ही गुजरता है, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है पटना से छपरा पर जोड़ने वाला, लगभग 12 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। यस, और अभी भी हमको लगता है उसका 30% काम हुआ है। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे जो हुई सो हुई है, अब उसमें चाहे गलतियाँ हुई चाहे भूमि अधिग्रहण, लोग कहते हैं 9-9 महीने से सैलरी नहीं मिली। हाँ, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये है कि वहाँ पे भूमि अधिग्रहण, देखिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर को आप काम कहीं कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना रेट कोट करता है 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, कि 3 साल में हम इस सड़क को बना लेंगे उस हिसाब, और अगर आप ज़मीन नहीं दे पाते हैं, उसका मैन पावर मशीन इक्विपमेंट आइडल पड़ा रहता है जगह के अभाव में, तो उसका तो खर्चा बढ़ रहा है ना, फिर धीरे धीरे वो दिवालियेपन की तरफ बढ़ता है, फिर उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है, नुकसान होने लग जाता है, फिर वो आर्बिट्रेशन में जाता है, मुकदमा लड़ता है, मुकदमा लड़के फिर एस्केलेशन मांगता है और बहुत तरह की चीज़ें करता है। कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जो डीजल मान लीजिए 2010 में डीजल रहा होगा 40-42-44 रुपये पर लीटर, आज की तारीख में डीजल हो गया होगा 70-75 रुपये पर लीटर, 80 रुपये पर लीटर हो गया, तो आखिर ये कौन बियर करेगा? अब आप उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर को बियर करने, जो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस रेट पर वो काम लिया है उसको तो दुगुना उसका कीमत देना पड़ रहा है, अब उसकी वजह से वो विलंब होता है, प्लस ज़मीन हम लोग नहीं दे पाते हैं टाइम पे, तो हम लोगों के पार्ट पे भी गलतियां होती हैं, डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अब उन सारी समस्याओं को सॉल्व कर लिया गया उस प्रोजेक्ट के लिए छपरा हाजीपुर के लिए। सर एक और चीज़ सुना कि वो जो कंपनी है मधुकौन, उस महीने में किसी भी हाल में हम लोग उसको आपको 80% सड़क बनाकर आपको देने के लिए कृत संकल्प है, तो अब उस सड़क का निर्माण आपको 15 फरवरी तक हम लोग कृत संकल्प हैं कि उस परसा रोड से शीतलपुर बाईपास होते हुए बकरपुर आके, जो बकरपुर, हाँ बकरपुर आके और बकलपुर से फिर हम आपको छप ये हाजीपुर की तरफ केवल गंडक ब्रिज को छोड़ के बाकी सारी की सारी सड़क हम आपको दे देंगे 15 फरवरी तक। गंडक ब्रिज चूँकि उस काम शुरू हो गया, आपने देखा होगा लॉन्चिंग गियर वगैरह उसमें भी लग गया, अब चल रहा था, पहले बहुत सारी समस्याएं थी, पीछे की बातों को अब छोड़ दीजिए, अभी हमने भी 8 महीने पहले ज्वाइन किया है, यहाँ पर चार्ज लिया है, तो अब आप आगे देखिएगा कि उसकी प्रगति किस रफ्तार में होती है और उसकी तरक्की मतलब होगी। अब उसमें गर्डर्स लॉन्च करने, जो तकनीकी डिले जो टाइम जो लगना है वो तो लगना ही है ना, उसको तो नहीं कर, और वो सेगमेंटल है, एक एक सेगमेंट के बाद ही एक लॉन्च लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा, तो धीरे धीरे ही एक एक करके ही लगेगा, महीने में 1.5 सेगमेंट से ज़्यादा लॉन्च नहीं हो सकता है, वो तकनीकी मजबूरी है, तो किसी भी तरह से उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 मई से 30 जून तक उसको भी कम्प्लीट कर दें गंडक ब्रिज को। आपने देखा होगा रामाशीष चौक के ऊपर का सारा काम हो गया फ्लाईओवर का, वो वहाँ मैंने कई खबर किया है, वो लोग कह रहे हैं कि छठ के समय में हमको 2 महीने का पैसा मिला, 12 महीने से सैलरी डिले है, कैसे मन लगेगा काम? मधुकर वो तो हमें आपसे पहले ही कहे ना कि जिस कंपनी को 40 रुपए का डीजल पे जब उसने रेट एक और किया, उसी कंपनी वाली बात पे कह रहा हूँ सर, मधुकौन को ब्लैकलिस्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने, फिर से उसने नाम बदल करके फिर से वो टेंडर, हमारे यहाँ तो मधुकौन ही है अभी, वही चल रहा है, लेकिन देखिए जिस कंपनी को आपने 40 रुपए डीजल के रेट पे दिया, 80 रुपए पड़ रहा है, तो कॉस्ट तो उसको निकल नहीं रहा है, कॉस्ट तो निकल नहीं रहा है, तो आज की तारीख में कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मान लीजिए इसके पास पैसे की कमी हो जाती है, आज हुई ना कमी देश में कोविड की वजह से हुई कमी, तो हम लोगों का सब लोगों का DA वगैरह रोक दिया गया ना, भारत सरकार की तरफ से रोका गया ना, क्यों रोका गया? क्योंकि आर्थिक समस्याएं आई तो सब लोगों को साथ मिलकर, तो हम लोग इम्प्लॉय हैं, तो हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि कहीं से भी भारत सरकार लाए पैसा और हमें दे, नो ये तो नहीं कह सकते हैं, तो ये समस्याएं जब आती हैं तो सबको साझा मिलकर परेशानी उठाना पड़ता है, और अभी तो प्राइवेट कंपनी है हम लोग तो। NH-22 हाँ जो 77 था, इन्हें हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के, आपने उसमें भी देखा होगा, आप जरा कवर कीजिए उसको जाके कि उसके ऊपर भी रामा सराय में देखिए कितना काम शुरू हो गया, अब रामाशी चौक पर देखिए कितना काम, अब पूरा तोड़ फोड़ सारा चीज, अभी भी अब सारे इंक्रोचमेंट को हम लोग हटाने की प्रक्रिया में है, और जो मुजफ्फरपुर बाईपास जो आगे रामदयालु से मधौल तक, उधर भी आपने देखा होगा काफ़ी काम हो गया है, रामदयालु से मधौल तक देखा होगा आपने,
है ना, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, इसी महीने ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जो मुजफ्फरपुर बाईपास का जो हिस्सा है, जो उसमें जो भी नहीं बना है उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। आप देखिए जाके किस चीज़ में कवर कीजिए उसको बढ़िया, आप देखिएगा उसके ऊपर भी काफ़ी तीव्र गति से, जो कि आज 2009 में परियोजना अवार्ड हुई थी वो, और 2020 ख़त्म होने पर आ गया, अभी तक वो रुका पड़ा हुआ था, अब देखिए जाके कवर कीजिए उसको। हाँ, शुरू हुआ ना। आखिरी सवाल है, बिदुपुर कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, वो कब तक तैयार होगा, आप लोगों के हिसाब से क्या देख रहे हैं? बिदुपुर कच्ची दरगाह जो पुल है ना, वो हमारे पास नहीं है, वो RCD बना रही है, वो BSRTC बना रही है, BSRTC बिहार सरकार का है, तो उसका जो हम, इसलिए उसके बारे में कोई हम अथॉरिटेटिव नहीं, नहीं वो नहीं का रहेगा, अथॉरिटेटिव कमेंट उसके ऊपर हम कुछ नहीं दे सकते हैं कि कब तक बनेगा, लेकिन सुनने में आता है कि 22 एंड या 23 के किसी समय वो बनके तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा औरंगाबाद से दरभंगा वाली सड़क जो है वो उसका अहम हिस्सा है। जी जी जी। एक सवाल था मेंटेनेंस पे, थोड़ा सा हमको करना था कि सड़कों के किनारे काफी गंदगी रहता है, बालू वगैरह खूब रहता है सर, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। गांधी सेतु बना, कचरा बना हुआ है, वीर कुंवर सिंह सेतु आप लोगों ने बनाया, ये लोग कंपनियों को दिया जाता है कि 5 साल का शायद दिया जाता है, लेकिन अब आप देखिए क्या है ना, मतलब स्कीड करता है बाइक, अब क्या होता है, आ जाता है उसमें। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है ना कि पहले क्या आया, गंदगी आई पहले, सड़कें हम लोग यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सड़कें नहीं हैं, कहीं भी चार ट्रक आ जाता है ट्रैफिक जाम हो जाता है, देखते ही है ना, सड़कों की बहुत बड़ी समस्या। एक बार सड़कें आपकी 4 लेन 6 लेन बन जाएंगी ना, 1-2 साल के अंदर में, होपफुली ईश्वर ने चाहा तो बन जाएंगी, 1-2 साल के अंदर में हम लोग सफल होंगे इस मिशन में, और अगर बन जाएंगी जिस समय वो सड़कें, उसके बाद देखिएगा आपको कहीं जब ट्रकें खड़े ही नहीं होंगी सड़क के किनारे, सड़क जहाँ से सामान उठाएगा, बालू रेता उठाएगा और डेस्टिनेशन पे गंतव्य पे गिराएगा, तो रास्ते में खड़ा नहीं होगा तो गिरेगा क्यों सड़क के ऊपर बालू, तो बहुत सारी समस्याओं का सुधार होगा। 2 साल इंतज़ार कीजिए, 2 साल के अंदर निश्चित रूप से बहुत आशातीत परिवर्तन आपको दिखेगा। अभी भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी, सब लोगों का फोकस बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, और नीतीश कुमार जी का तो है ही है, आप देख ही रहे हैं। सर, पुलों पर डेड रोड रहता है, मृत पुलों पर खड़ी रहती हैं ट्रक जी, सर उसके लिए अब ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये तो राज्य सरकार के करना पड़ेगा सर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देखिए क्या है ना। हाँ, देखिए होता क्या है, जैसे रेलवे है, रेलवे के पास अपना RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, अपना उसका GRP है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, हम लोगों के पास वैसे कोई हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स तो है नहीं, तो हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है राज्य सरकार की एजेंसियों के ऊपर में, पुलिस के ऊपर में बोलते हैं। अरे आपको बोलते हैं, आप देखिए डेड लोड की बात कर रहे हैं, आपको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, जस्ट आप देखते रहिए। अभी आप धर्मनाशा के अस्थायी और अस्थायी पुल की प्लेटें टूटी, NHAI ने कहा पहले ओवरलोडिंग रोके प्रशासन तभी शुरू करेंगे पुराना पुल। हम लोगों ने बहुत टफ स्टैंड लिया हुआ है, आपने करुणासा में देखा होगा, पहले पुल था टूट गया था, करुणासा वही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर है ना, टूटा था, टूटने के बाद वहाँ पर ट्रैफिक बंद भी हो गया था आपका 3 सप्ताह के लिए, पूरा का पूरा दिल्ली कोलकाता रूट बंद हो गया था। हम लोगों ने बहुत तूफानी रफ्तार में डाइवर्सन बनाया, स्टील ब्रिज बनाया, लेकिन उसमें 90-90 टन वाली गाड़ियाँ जाती हैं, जो स्टील पुल बनाया वो उसके भी वेल्डिंग टूटने लग गए, तो प्रशासन कहा कि आप जो कंक्रीट पुल जो आपका परमानेंट वाला जो था, जिसको आपने रिपेयर करके वापस ठीक कर दिया, उसको खोलिए। हमने मना कर दिया कि नहीं खोलूंगा उसको, जब तक आप ओवरलोडिंग नहीं रुकेंगे नहीं खोलेंगे, जिला प्रशासन को मना कर दिया कि नहीं खोलेंगे। अगर वो रुक गई पुल पे तब क्या हाल होगा? रुक गई नहीं, जाने में भी, क्योंकि जाते समय तो एक तो डेड लोड उसका रहता ही, और प्लस लाइव लोड जो चलने से जो मोमेंटम पैदा होता है वो और ज़्यादा लोड बढ़ा देता है, स्टैटिक लोड से वो ज़्यादा लोड बढ़ा होता है, और फिर भी जो है, और इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं, हमने देखिए आपने को अखबार की हेडिंग दिखाया ना कि हमने मना कर दिया कि हम आपको इसको पुराने पुल को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप लोग ओवरलोडिंग रोकने की कोई ठोस कार्रवाई और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करेंगे। कोइलवर पुल की कैपेसिटी कितनी है? ये भी उतना ही टन की है, 60 टन की, 60 क्लास 60 क्लास 60 के लिए ही बनाते हैं, 70R लोडिंग के लिए ब्रिज बनता है, क्लास 70R लोडिंग के लिए उसका भी उतना ही है। अब इसमें भी अगर मान लीजिए 2 गुना लोड लेके गाड़ियां चलेंगी तो क्या होगा, फिर कितने दिन चल पाएगा पुल? बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी पुलें टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी। हमारा सड़क भी जो बनता है वो 70 क्लास 60 लोडिंग के लिए बनता है, अब क्लास 60 AA हो गया, AA क्लास के लिए लोड के लिए बनाते हैं, उस पर अगर आप 2 गुना ज़्यादा लोड डालेंगे तो क्या होगा, जो बिटुमिनस पेमेंट है या कंक्रीट पेमेंट है वो क्रैक करना शुरू करेगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। SH होता जा रहा है क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिक्स नहीं करते हैं, जमीन अधिग्रहण किए बगैर आप केवल उसका कालीकरण कर देते हैं, तो आपको अच्छा दिखता है, लेकिन कालीकरण की गई सड़कों पर अगर आप
जरा 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से चलें, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। क्योंकि वो जो सड़कें SH वाली हैं उसमें कोशिश की जाती है कम से कम ज़मीन अधिग्रहण की जाए, चूँकि पैसे की कमी है तो उसको जैसे बना होता है उसी अलाइनमेंट पर चलता है, तो आप गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते। हमारी सड़कों का एक मानक है NH की सड़कों का कि 100 किलोमीटर के लिए हम डिज़ाइन करते हैं सड़कों, 100 किलोमीटर के लिए जो भी रेडियस चाहिए, जो भी कर्वेचर चाहिए, जो भी, उसके लिए ज़मीन हम अधिग्रहण करते हैं। और ज़मीन जो हम अधिग्रहण करते हैं 100 किलोमीटर के लिए, तो उस ज़मीन अधिग्रहण में हमारी समस्या कहीं मिल जाती है कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह ज़मीन सड़क आप देखिए ना बिहार में हमारे NHAI की सड़कें कितनी पूरी हुई हैं, हो ही नहीं पाती हैं, कहीं ना कहीं आधा अधूरा छूट जाता है ज़मीन अधिग्रहण की वजह से। और हम लोग अपने मानकों में, अपने स्टैंडर्ड्स में और स्पेसिफिकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह का, क्योंकि एक बार आप कंप्रोमाइज़ शुरू कर देंगे तो फिर कंप्रोमाइज़ का रास्ता खुल जाता है और फिर अनंत कंप्रोमाइज़ करते रहें फिर आप, और कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं।